सो दोस्तों फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस के 9RT स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, जो कि यहां पर निकल करके आ चुकी कि इंडिया मार्केट में किस प्राइस पे स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, वैसे तो स्मार्टफोन के यहां पर आपको इंडिया मार्केट में सिर्फ दो ही वेरियंट देखने को मिलेंगे, जहां पर स्मार्टफोन जो बेस वेरियंट होगा वो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आएगा, और जो सेकेंड वेरियंट होगा वो यहां पर आपको 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाएगा। अब ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है वन प्लस की तरफ से, जहां पर स्मार्टफोन जो प्राइस है वो काफी अच्छी रखी गई थी वन प्लस की तरफ से। और इंडिया मार्केट में अगर आप स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं वन प्लस के 9R स्मार्टफोन से, तो यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, और इसी तरह यहां पर प्राइस में भी आपको कुछ ज्यादा फर्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस दोनों स्मार्टफोन की काफी ज्यादा सिमिलर सी होने वाली है। दोस्तों अगर आप यहां पर वन प्लस के 9RT 5G स्मार्टफोन की प्राइस जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरू करने पहले आप सभी भाइयों से निवेदन है कि यहाँ पर अगर आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर काफी समय से लीक निकल करके आ रही है स्मार्टफोन के प्राइस को लेकर के, लेकिन मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कन्फर्म हो जाए उसके बाद ही मैं चाहता था कि यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ पर बनाना नहीं चाहता था। अब देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन के बारे में आप सभी कुछ जानते होंगे, स्पेक्स वगैरह और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आप सभी जानते होंगे चेंज कर दिया गया है। ऑक्सीजन OS से कलर OS की तरफ यहाँ पर वन प्लस बढ़ चुका है, और यहाँ पर शायद कुछ लोगों को ये पसंद आएगा और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं भी आया। आपको क्या पसंद आता है प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, आपको ऑक्सीजन OS ज़्यादा पसंद था वन प्लस के स्मार्टफोन में, या फिर आपको अपकमिंग कलर OS ज़्यादा पसंद आने वाला है वन प्लस के स्मार्टफोन में। अब फाइनली बात करते हैं वन प्लस के 9RT स्मार्टफोन की प्राइस की। अब देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन जो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट होने वाला है, उसकी जो कीमत होगी वो 40,000 रुपये होने वाली, यानी कि 39,999 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है। अब एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं वन प्लस 9RT और 9R को, तो यहाँ पर प्रोसेसर के अलावा और कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा ही फर्क आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन की। और जो यहाँ पर स्मार्टफोन का 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट होगा, उसकी कीमत में आपको 40,000 से 44,000 रुपये के बीच में देखने को मिलेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 45,000 रुपये से कम के प्राइस में आपको 12GB रैम वाला वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको 7GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी और इन्हेंस होकर निकल करके आएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देखें तो अच्छी प्राइस भी हो सकती है, और मुझे तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। आपको किस प्राइस पर आना चाहिए था इंडिया मार्केट में, आपके हिसाब से एक्चुअल में क्या प्राइस होनी चाहिए थी वन प्लस के 9RT स्मार्टफोन की, प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। अब देखिए हालांकि स्मार्टफोन जो इंडिया लॉन्च डेट है वो भी निकल करके नहीं है ये, लेकिन ये कंफर्म है कि स्मार्टफोन इसी महीने यानी कि दिसंबर में आपको देखने को मिलने वाला है। अब जैसे स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म होगी मैं कम्युनिटी टाइम में आपको पोस्ट करके जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।